हे गाइस, स्वागत है फिर से एक नए व्लॉग में। और गुड मॉर्निंग, क्योंकि सुबह के बज रहे हैं अभी 7। और अभी मैं हूँ, आज का भाई जर्नी बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट जा रहा हूँ। लाइक मैं नॉर्थ से ईस्ट में जा रहा हूँ, और ये आप देख रहे हो, ये पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है। और अभी अंदर जाता हूँ प्लेटफॉर्म पे, और आपको मतलब बहुत ही खास होने वाली है भाई जर्नी मेरे लिए, और आप सभी को भी मज़ा आने वाला है। सो अभी मैं जाता हूँ प्लेटफॉर्म के अंदर, और आप सभी को दिखाता हूँ क्या है और मैं कहाँ जा रहा हूँ। सो चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, मैं प्लेटफॉर्म पे आ चुका हूँ, और हम आज की जर्नी या थंबनेल से आपको पता लगेगा क्या होगा। मैं कोलकाता यानी कि हावड़ा जा रहा हूँ, और ट्रेन है भाई। आज की जर्नी हम एसी में करने वाले हैं, थर्ड एसी में। और ये एक ट्रेन खड़ी थी वहाँ पे पीछे, आप देख रहे हो, वो ट्रेन जाएगी अभी, तो अभी हमारी ट्रेन आएगी। मतलब पीछे इसे टाइमिंग पे थे, लेकिन इस ट्रेन को आगे करके और हमारी ट्रेन को 15-20 मिनट लेट कर दिया। और जहाँ तक ट्रेन की बात करें भाई, ये बाड़मेर से हावड़ा को चलती है, 2 दिन चलती है सप्ताह में। और नई दिल्ली ये आपको संडे को और थर्सडे यानी कि रविवार और वीरवार को आपको मिलेगी यहाँ से, सुबह 7:30 की टाइमिंग है इसके। 7:30 बजे आती है और 8 बजे के आसपास 7:55 में खुलती है। सो अभी हमारी ट्रेन आती है, तो मैं आपसे बात करता हूँ। और ये ट्रेन भाई कानपुर होते हुए बहुत कम स्टॉपेज है, 4-5 स्टॉपेज, कानपुर, प्रयागराज, मुगल सराय, गया, जो कि मेरा सबसे मतलब पहली बार इस रूट पर मैं ट्रैवल करने वाला हूँ। मुगल सराय तक मैंने तो कर रखा है भाई सफ़र, और गया मेरे लिए नया होने वाला है, झारखंड स्टेट मेरे लिए नया होने वाला है, और फाइनली मैं कोलकाता जाऊंगा, कोलकाता घूमेंगे। सो चलिए मिलते हैं आपसे जब हमारी ट्रेन आती है, और ट्रेन आप सभी को दिखाता हूँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और जर्नी दिखाऊँगा आप सभी को। सो आने दीजिए भैया ट्रेन। सो गाइज, हमारी ट्रेन आ चुकी है, और ये देख रहे हो भाई, इंजन लोकोमोटिव है। लोकोमोटिव मतलब लाइक इंजन है ये, इलेक्ट्रिक नहीं है, डीजल लोकोमोटिव है ये। डीजल लोकोमोटिव देख लो, डीजल इंजन, और यहाँ से इंजन चेंज होकर इलेक्ट्रिफाई होगा, मतलब इलेक्ट्रिक इंजन लगे। देखो, हावड़ा बाड़मेर एक्सप्रेस, बोर्ड पे कुछ और दिखाया, तो यहाँ पे कुछ और हो गया, मुझे आके जाना पड़ेगा एसी के लिए। सो अभी मैं चलता हूँ और आप सभी को सीट दिखाता हूँ अपने। अरे दोस्तों, लाइक पहले डिस्प्ले कर रहे थे कि पीछे की तरफ एसी को जाएंगे आएंगे, और अभी यहाँ कर दिया, तो अभी मैं चल कर आया, बहुत चला दिया यार, लास्ट से पूरा एक लास्ट से दूसरे एक एंड से दूसरे एंड तक। सो ये रही हमारी कोच B1, ये एसी की कोचेज है। अभी मैं अंदर जाता हूँ और आप सभी को दिखाता हूँ अपनी कोचेज। आधा घंटा लेट है ट्रेन, क्योंकि पीछे रोक रखा था मैं ट्रेन को, और अभी जाते हैं अंदर, अभी आप लोगों को सीट्स वगैरह दिखाते हैं क्या माहौल है अंदर। जैसे कि ट्रेन पीछे से चल के आ रही है, सुबह कल शाम में 3-4 बजे चली थी, 4 बजे के आसपास, इसीलिए लोग अभी भी सो ही रहे हैं, वहाँ डिस्टर्ब करना सही नहीं लगा, तो अभी भी लोग सो रहे हैं उसमें, तो कुछ आर्मी से हैं, तो लाइक मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। और अभी ट्रेन चलती है, थोड़ी देर बाद सब उठेंगे बैठेंगे, तो बैठते हैं हम भी बैठेंगे और ट्रेन का नज़ारा दिखाएंगे, और नज़ारे देखते हुए चलेंगे, क्योंकि सुबह का सफ़र है यार। सो दिस इज़ द थिंग, एंड आई विल गो इनसाइड। लाइक अभी ट्रेन के इंजन चेंज कर रहे हैं, अभी लगा रहे हैं, लग चुका है वैसे इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन लगा चुके हैं। सो अभी चलेगी हमारी ट्रेन यहाँ से 10-15 मिनट में चलेगी, फिर नज़ारे देखते हुए चलते हैं। और यहाँ से डायरेक्ट खुलेगी, तो डायरेक्ट कानपुर ही रुकेगी, यहाँ से कानपुर से फिर प्रयागराज। सो देखते हैं अब।
यमुना नदी, जो ये पुराने वाली ब्रिज है, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की ब्रिज, बाढ़ के समय बंद कर दिया जाता है कि बहुत पुरानी ब्रिज है, इसीलिए अंग्रेजों के ज़माने का ब्रिज है ये, देखो बहुत पुराना है। यमुना नदी के ऊपर है यहाँ न्यू दिल्ली के जस्ट 1 किलोमीटर के रेंज में आता है ये यमुना क्षेत्र है। ऐसे मुझे बैठना पड़ रहा है, बैठ भी नहीं पा रहा, तो वहाँ ना सोए पड़े तो बोलने में बन नहीं पा रहा, मैं चाहूँ तो उठा दो उन्हें, बट आई थिंक दे आर टायर्ड, दिस इज द थिंग। और कानपुर पहुँचने वाले हैं 1.5 घंटे में, तो कानपुर से मैं आपसे बात करूँगी और ट्रेन आप सभी को दिखाऊँ। ये देखो भाई, ये ऐसा कुछ है फैला पड़ा, ये भी साफ नहीं है। चलो मैं आप सभी को दिखाता हूँ कैसे कोच में सब पड़े हुए हैं यार, भूत की तरह। ये कुछ ऐसा आलम है, सब पड़े हुए हैं। सी माय कोच मिडल बर्थ। फाइनली हम कानपुर पहुंच चुके हैं यार, आधे घंटे लेट है, आधे घंटे 40 मिनट लेट है। पीछे मतलब कानपुर से पहले रोक टाइम मेकअप कर लिया था, लेकिन फिर लेट कर दिया। और ये हमारी एसी भाई, बहुत गर्मी है यार, बाहर निकलने के बाद ना बहुत से गर्मी से लग रही है। अंदर था एसी में तो उतना लग नहीं रहा, और यहाँ से डायरेक्ट हम इलाहाबाद में रुकेगी और आपसे इलाहाबाद में मिलते हैं। और कुछ ऐसे ट्रेन सही है भाई, टाइम कैप्चर कर ली थी, फिर स्टेशन आते आते लेट कर दिया, बाकी ठीक है अभी तक तो सही गर्मी है। 130 खेच रहे हैं, मतलब 30 की स्पीड में चला रहे हैं। बाकी ट्रेन नंबर की बात करें तो 1, 2, 3, 4 और ठीक है, बाकी मज़ा नहीं आ रहा, सब लोग सब सुस्त पड़े हुए हैं यार, कोई बात बात करने वाला नहीं है, और अकेले सफ़र कर रहे हैं तो गद्दा तो पड़ेगा ही ना, सो दिस इज़ द थिंग। तो मिलते हैं आपसे इलाहाबाद में। हम दूसरे पड़ाव यानी कि दूसरे स्टेशन में पहुंच चुके हैं, और ये मेरा मित्र यहाँ रहता है, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे हम मिले थे और बहुत अच्छे दोस्त हैं हम, तो इससे मिलने की इच्छा भी मैंने इसे बोला और आ चुका है ये। और ये दूसरा स्टेशन है, यहाँ पे लगभग आधे घंटे 40 मिनट लेट है, अब देखो क्या होता है। अब अगला स्टेशन यहाँ से प्रयागराज से फिर प्रयागराज कह रहा हूँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और ये इलाहाबाद स्टेशन इसका पुराना नाम है, अभी तो खैर प्रयागराज है अपडेटेड नेम। और ये भाई साहब बहुत भागते हुए आए, कतई बेवकूफ इंसान है भाई साहब, इसे अरे 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 ये क्या है भाई, इसे यही नहीं पता कि चेक कैसे करते हैं कि ट्रेन कहाँ आती है,
मतलब दूसरी ट्रेन जा रही है ना, दूसरी ट्रेन दिखा रहा था पांच में आई है, दूसरी ट्रेन दिखा कह रहा है कि उसमें तू नहीं निकल रहा, उसी से निकल रहा मैं, यहाँ से निकल रहा हूँ इस वाले अपने ट्रेन से, यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 4 दिखा के 5 पे आई है। यू डोंट नो हाउ टू चेक ब्रदर, दिस इज योर, यू हैव टू चेक ऑन डिस्प्ले ना। या आई हैव टू, आई चेक्ड ऑन डिस्प्ले। नो नो, स्टिल यू डोंट नो। आई नो दिस इज योर फॉल्ट। नो नो, सो दिस इज द थिंग ब्रदर। बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई दोस्त मेरे से मिलने आया, एक और कोई मिलने आने वाला था लेकिन आ नहीं पाया। अब यहाँ से आपको अगले स्टेशन पे मिलेंगे, अभी नहीं जाएगी, तो अभी मैं इससे बातें करता हूँ और मिलते हैं आपसे अगले स्टेशन पे। अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट है और ट्रेन अभी भी लगभग आधे घंटे लेट है, और यहाँ से भाई अब गया रुकेगी ट्रेन, जो कि मैंने ट्रेन जर्नी बहुत किया है और फर्स्ट टाइम उस रूट पर भी जाऊँगा, गया वाले रूट पर गया। आफ्टर देन एक ही स्टेशन बिहार में है लाइक गया, उसके बाद फिर कोदरमा कुछ करे झारखंड में एंटर करेंगे, उसके बाद बंगाल में, और सुबह तो उतार ही देगी, सुबह 6 बजे के आसपास इसकी टाइमिंग उतार देंगे। तो लेट्स सी, अब मिलते हैं आपसे। मैं खुद गया जरूर कैप्चर करूँगा भाई, क्योंकि गया इज लाइक फर्स्ट टाइम मैं एंटर कर रहा हूँ उस रूट को, सो आई विल गो देयर, लाइक आई विल डिवोट करेंगे वहाँ पर। सो मिलते हैं आपसे अब गया में आज। अभी ट्रेन अभी भी आधे घंटे लेट है, अभी 7:30 की टाइम थी, 8 बजे आएगी। सो दिस इज़ द थिंग। अभी हम गया पे पहुंच चुके हैं, 40-45 मिनट लेट है, स्टिल 40-45 मिनट लेट है, और अभी रात के बज रहे 11। और ये गया भाई महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है, महात्मा बुद्ध को यहीं ज्ञान की प्राप्ति हुई थी किसी वृक्ष के नीचे, और यहाँ पे लोग पिंडदान वगैरह शांति, आत्मा की शांति के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं। और अभी तो गया हूँ, अब इसके बाद सोऊंगा भाई, यार नींद आ रही है, अब डायरेक्ट हो सके मैं सुबह ही मिलूँगा। और ये बिहार का पहला स्टेशन है इस ट्रेन का और आखिरी स्टेशन, एंड लाइक माई आई थिंक माई ट्रेन इज़ गोइंग, आई थिंक सो, सो दिस इज़ द थिंग ब्रदर, सो आई एम गोइंग। बारिश हो गया यार आज यहाँ, और आपसे अब मिलते हैं, या तो झारखंड में मिलूँगा किसी स्टेशन पर अगर रात में नींद खुली तो, या तो डायरेक्ट हावड़ा। सो चलते हैं अब ट्रेन में, बिहार का पहला और आखिरी स्टेशन दैट इज़ गया, तो मिलते हैं आपसे आगे। फर्स्ट टाइम आई गाइज आई रिस्ट हावड़ा, यानी कि वेस्ट बंगाल, और मैं सो गया था यार, झारखंड का कोई भी पार्ट कवर नहीं कर पाया। और भाई मैं आ चुका हूँ यार, बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन है, आपने जैसा भी भीड़ देखा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा, इन द सेंस 23 रेलवे प्लेटफॉर्म है इस स्टेशन पे, और सामने ही हावड़ा ब्रिज है यार, हावड़ा ब्रिज दिख रहा है यहाँ पे। और आपको एक बात बताएं, इतनी बड़ी रेलवे स्टेशन है यार, बहुत पुरानी रेलवे स्टेशन,
यहाँ राजधानी, पहली राजधानी हावड़ा से नई दिल्ली के बीच चली थी। और दिस इज़ भाई अच्छा एक्सपीरियंस है इस ट्रेन का, 65 प्लस एवरेज स्पीड तो अच्छा ही है। और सामने ब्रिज दिख रहा है मुझे। सो इस जर्नी में बस इतना ही, ये सिर्फ ट्रेन जर्नी थी। अभी देखते हैं यहाँ क्या क्या घूमते हैं और आप सभी को दिखाते हैं। लाइक ये ब्रिज देखो यार, भाई मतलब ऑसम वेदर, बहुत ही ऑसम हो रहा है यहाँ का, बहुत ही ज़्यादा ऑसम। सो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। ये बस ट्रेन जर्नी थी, देखता हूँ कोई होटल वोटल मिलता है यहाँ पे। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।